गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है सबके? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? और बस अभी निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आपके? बस बस सर। क्या हो रहा है? भाई आज जितना जाम मिला ना मुझे, उतना जाम आज तक मैं जब से ऑफिस ज्वाइन किया 4 महीने में नहीं मिला। इट टुक अबाउट 50 मिनट्स टू रीच माई ऑफिस। अभी भी पहुँचा नहीं, मतलब लग जाएंगे 50 मिनट। और इतना जाम था हिसाब नहीं। मतलब पूरा एरिया ही, पूरा कांदीकुंज ब्रिज ही जाम में फंसा हुआ था। जाम से क्या होता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस भी कैसे आता है कि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, बाइक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, कोई दबाया जा रहा है, तो आपको बड़ा वैसा सा रहता है कि यार पीसफुली पहुँच जाओ आराम से तो ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करती हैं, वो हमें पता भी नहीं चलती सुबह सुबह। दो आई डोंट टेक मच स्ट्रेस, बट स्टिल मतलब ऐसा है कि अननेसेसरी क्यों ना सुबह सुबह कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो वो वाला चक्कर है। तो बस पहुंच गया हूँ मैं, मिलते हैं आपको शाम को, दादू दादी को जब मिलते हैं हम लोग, मैं मिलता हूँ जब। बाकी आप दिन में तो अम्बाला के ये व्लॉग मिल ही रहे हैं आपको, अम्बाला में क्या चल रहा है, यू आर गेटिंग टू सी ऑल ऑफ दैट, तो आप देखते रहिए। ठीक है, हेलो 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 कैंडी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी जा रही हैं आपकी छुट्टियां? मदर जो घर पे हैं अपने बच्चों के साथ, कैसे जा रही हैं छुट्टियां? आई नो बड़ी मुश्किल जा रही भाई, मेरी वाली तो थोड़ी सेट हो गई है, बिकॉज यहाँ पे सिफत है, आई थिंक उनको अपने एज के बच्चे चाहिए होते हैं, तो शी इज सेट, यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन नहीं। और हमारा दिल्ली में एक चक्कर होता था, तो वो 4 फ्लोर चढ़ के उतरने वाला पंगा हो जाता है, कि इसको बाहर ले जाने में 2-4 बार आलस खा जाते हैं हम लोग कि कहाँ जाना है। तो बट यहाँ पे ये है कि बाहर ही है, नीचे का है घर, तो बाहर जाते हैं, बाहर भी खेलते रहते हैं, सो पूरा दिन यही चलता रहता है। सो मेरी तो ठीक ही जा रही है, आप लोग बताइए आप लोगों की कैसी जा रही है। तो सुबह हो चुकी है और हमारे चाय का टाइम भी हो चुका है, तो बस अब हम चाय पी रहे हैं। उंगलियां नहीं मुड़ रही थी, बट आज मुड़ पा रही है, और वो भी जोर जोर से। चलो पराठा खा लो। बन रहे हैं डोसे, मम्मी जी ने बनाया था कल बैटर। माला को मैंने बोला लाल वाली चटनी बना दे, माला ने लाल चटनी बना दी है, माला बना रही है डोसे, मम्मी ने व्हाइट बना दी, माला ने लाल बना दी। हमें पहले लग रहा था डोसे बनेंगे नहीं, ये रोटी वाला तवा पे हम डोसा खा रहे हैं, रोटी वाले तवा पे हम डोसा खा रहे हैं, तवा पे हम डोसा बना रहे हैं। चलो बढ़िया बात है। प्यारी सी प्लेट, छोटी मुन्नी सी प्लेट, इसमें खाएंगे हम डोसा। और बच्चे खा रहे हैं नीचे बैठ के डोसा। नमस्ते रिंकू जी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं? बस सब बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए तो अब हम ये भाई बड़ी स्वाद बनाई है मम्मी ने वाली चटनी, गो टेक इट फ्रॉम नानी, टेक योर प्लेट, प्लेट में लेके आओ अपने, थोड़ी सी इसका हाथ देखा, इतनी कुंडियां लगी हैं। तो भाई जब से हम अम्बाला आए हैं, अम्बाला का मौसम बहुत ही हसीन और सुहाना सा हो गया, एंड इट्स रेनिंग अगेन। अम्बाला में बारिश हो रही है और बड़ा प्यारा ठंडा मौसम हो रखा है एकदम, हम बिना पंखों के ही चल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। और कल यहाँ पे इतना तूफान आया कि हमारी खिड़की खुली रह गई थी और खिड़की टूट गई है मेरी। हाँ जी, तो नहा धो चुके हैं हम और अब कर रहे हैं अपना लंच। माता ने लगाई हुई हमारी ने मेहंदी और जा रही है कैमरे से दूर दूर भागती हुई। तो मैं खा रही हूँ आलू मटर और चावल, इसमें चटनियाँ डाल के, एक बाइट लाल चटनी की, एक बाइट वाइट चटनी की, यहीं किचन में खड़े होकर खा रही हूँ। एक रोटी खा चुकी हूँ ऑलरेडी सब्जी के साथ। कल रिंकू जी ने पीछे से हमें सब्जी दी थी, बेसन की बनाई थी उन्होंने, कोफ्ते टाइप बेसन के, बहुत ही स्वाद बनी थी, तो एक रोटी उसके साथ खाई है और अभी खाने लगी हूँ मैं। कुछ
कोई फोन नहीं मिलेगा बेटा। आलू मटर चावल, ये बन रहा है चीला जो कि दादा के लिए बन रहा है, जो दादा के लिए सब्जी में है मिर्ची। यहाँ चल रहे हैं हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट, गुरमन भी बैठा है, रदा का मिला हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट। रदा हाथ दिखाना बाबू अपना। ओ मेरे बच्चे का हाथ अभी भी लाल हो गया पूरा हाथ इसका, और इचिंग हो रही है इस पे। सीख तू हाँ रदा सुंदर, रदा कपड़ों पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आ रही है नींद बहुत ज्यादा, नानी सिफत बेड के पीछे छुप छुप के नमक खा रही है। जाओ मम्मी देखो, मुझे आ रही है बहुत जोर से नींद। हम सो रहे हैं यहीं बिस्तर पे बाहर ही कंबल के अंदर, ये ऊपर से रिदा आ गई है। अबे रिदा चलिए मिलेंगे आपसे हम थोड़ी देर बाद। आई हैव रीच्ड होम, दो तीन घंटे बजा चुका हूँ लेकिन अंदर से कोई आ नहीं रहा। पापा ऊपर गए मैं। अच्छा हाँ जी सर, गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर, क्या हो रहा है? बस चाय पी रहे थे ऊपर। हाँ चाय बना के गया था मम्मी को, मैं चाय बना के दे दो चाय बना के मैं ऊपर ले गया। दो कप क्यों है फिर? वो ऐसा होता है गर्म होते हैं ना तो दो मिनट। तो मम्मा कहाँ गई हैं? दूसरा वो ऊपर सफाई कर दिया टन टन सुबह से लेके सुबह कर दिए थे ऐसे। वेरी गुड, रह गया था मैं कहते आने से पहले। आज दवाइयाँ ले आए फिर जाके? हाँ तो बहुत काम हो गया, मतलब थके हुए हो गए फिर। हाँ टाइमली सो जाना। नहीं दोपहर सो लिया, दोपहर को सो भी लिया, दवाई भी लिया, ऊपर छत भी साफ कर दी। इतना दिन तो मुझे ऑफिस में नहीं मिलता इतना टाइम जितना आपने कर लिया यूटिलाइज आज। हमें तो लगता नहीं है 9 घंटे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कैसे करें जाए बहुत कम लगते हैं। हाँ मैं जाके देख लेता हूँ। तो तैयारियाँ पूरी खींच ली हैं? हाँ उसको सफाई बड़ी पसंद है। अब हम तो काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंद तो पड़ता ही है। हाँ तो उस गंद को साफ करना चाहिए ना। नहीं जब पता है अभी 2-3 दिन चलेगा तो फिर रहने देते हैं। एक पता सुबह शुरू करो भी आज शाम तक करना तो फिर गंद कर देते साथ साथ करना पड़ता है। अच्छा तो उस सामान को रख दो वापस और फिर वो कल बरसातें भी तो आ गई सारा। हाँ उसकी वजह से ज़्यादा बिस्तर गीला था, आज थोड़ा सूखा भी बिस्तर गीला है। अच्छा बैग पैक कर लिया? कितने बजे निकलना है कल सुबह? 5:30 बोला है सर तो देखो। बहुत बढ़िया, जब ऑल द बेस्ट है जर्नी के लिए। हाँ जी थैंक यू, वो अगर निकले हैं तो फोन कर देना। चलो मैंने गाड़ी आगे कर दी आपकी, ठीक है चार पीछे लगा दी अपने। हाँ जैसे कि ये इग्लू इसका आगे आएगा एन इग्लू। ओके देखो मैं थोड़े से सेंटेंसेस बोल दूंगी। एन इग्लू, एन एलिफेंट, Oliver? Orange. An orange. Very good. ऐसा होता है, okay? रिदा आर्टिकल्स करा रही है मैम को, वावल्स कॉन्सोनेंट सब कुछ बीच में करा दिया उसने। ये सारे ए से शुरू होते हैं ना, आई से शुरू होते हैं। तो ये आएगा ना 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 ना, okay? So, आज बनी है पनीर की सब्जी और बस मैं अभी ये गरम कर रहा हूँ, पापा को खाना देता हूँ गरम करके। मम्मा से बात हुई थी अभी, वो भोगल गई हुई हैं और मासी के घर से अभी निकली हैं, तो शील टेक अनदर 20 मिनट्स टू कम। तो तब तक हम लोग मैं और पापा खाना खा लेंगे और मम्मा के लिए भी रेडी हो जाएगा, जब तक वो आएंगी उनको भी डाल के दे दिया जाएगा। तो आजकल ना दोपहर को मैं सिर्फ सैलड्स ले जा रहा हूँ और 2 बॉयल्ड अंडे ले जाता हूँ और 1 छाछ ले जाता हूँ आजकल मैं ऑफिस में, और लाइट रहता है पूरे दिन। बट ये है कि थोड़ा आसपास वाले ना क्रेविंग होती है तो मैं जो बाकी कलीग्स लाए होते हैं वो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। बट देन बहुत हेल्दी चिकपी सैलड हो गई, कभी यू नो स्प्राउट वाली सैलड हो गई तो वो ले जा रहा हूँ। तो मैंने अभी वेट नहीं देखा है, अभी देखते हैं वेट अगर कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा और बढ़ गया हूँ वेट में, 88 के आसपास आ गया हूँ मैं, विच आई वॉज नेवर। मैं हमेशा फ्लाइंग में भी जब तक था तब तक 83-84 रहता था। तो ये कंसर्न है जो कि एड्रेस करना है और बहुत जल्दी करेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे अब ये देखना है। बाकी प्रोमिसज बहुत होते हैं बट जा नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। बट अपनी सेहत के लिए आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि जाना चाहिए, क्योंकि यू नो सारे
जो सूट वूट है ना वो भी सारे एकदम से टाइट हो रहे हैं, तो या तो नए सिलवाने पड़ेंगे, अगर नए नहीं सिलवाने 20-25 हज़ार रुपये नहीं खर्चना चाहते हो तो पुराने वालों में फिट हो जाओ, है ना, वही तरीका होता है। तो पनीर हो गया गर्म, आप देते हैं पापा को रोटी और करते हैं मम्मा का इंतज़ार। सो हमारा डिनर टाइम हो गया और आज भाई ने बनाई है कटहल की सब्जी। भाई क्या सब्जी बनी है, मतलब टू गुड, बहुत ही स्वाद, इतनी मस्त। और ऐसा मतलब जो चिकन नहीं खाता है, मतलब पता नहीं है वेजिटेरियन लोगों को ये पसंद आती है कि नहीं आती है, बिकॉज इट गिव्स द नॉन वेज वाला फील आता है कटहल की सब्जी खाने से। सो बट बनी बहुत ही अच्छी है, बनाई भाई ने, गजब बनी। सो दादू की फ्लाइंग पेट इज गोइंग, लो जी दादू। सीरियलों का शौक पड़ गया इनका। लो जी दादू सेठी की पैकिंग हो रही है एंड एज ऑलवेज इस बार तो आपने भी करी है ना अपनी, वैसे आप करते नहीं हो अपनी पैकिंग है, ये तो टैची चेंज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैची डाल रहे हैं। हाँ शक्ल दिखा दो भाई, आपने करी पापा पैकिंग? अच्छा तो मम्मी फाइनल कर रही है अभी, किसी के भरोसे रहता है ना अपने, अभी आप अम्बाला गए पापा तब मम्मी ने की है पैकिंग, कहाँ छोड़ के, जब छोड़ गई तो वो अलग बात है, लेकिन पैकिंग तो मम्मी ने की। हाँ बताओ ये कोई तरीका है? तो अब इनका पहले ये वाला बैग कहाँ गया, काला बैग में जा रहा था, अब इन्होंने अटैच ही ली है, तो बस अब सारा सामान बाहर निकाल के दोबारा से डाला जा रहा है। और चेक कर लेना मम्मी 3 दिन के लिए है कि नहीं है कपड़े पूरे, ये वो कौन सा वो लेके जा रहे हैं स्वेटर, कौन सा फुल फुल, भाई इनको ठंड लगी ज़्यादा, इनको तो लग जाती है एकदम। हाँ तो कोई बात नहीं, पुराने वाला डाल दो, मैंने आधे बांट दिए, भी आधे बांटने वाले पड़े हैं, उसमें एक भी नहीं आपको मिल रहा। हाँ तो पुराना ही, सारी उम्र वो चलता रहेगा, छोड़ रहे हैं, अरे उसके भाग में लिखा था बंदे के। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो अब एक स्वेटर देना पड़ेगा आपको इनको, हाफ से मम्मी इनका होगा नहीं, इनको ठंड लगती है। हाँ तो जो भी है वो अच्छे से पैक कर देना। चलो जी गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, हैव अ गुड जर्नी, प्लेजेंट जर्नी एंड इन्जॉय, और थोड़ा सेफ रह के, ठीक है, हैव अ गुड टाइम, ओके, सबको बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, चलो मम्मा गुड नाइट, ओके, नहीं मुझे नहीं खाना, खा लिया मैंने आज माला, महीने के थी तब वो हुआ था, हाँ उसको याद है, सब याद आ रही है, सब किसी ने बताया होगा, बस यही बात है। आज दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू, कह रहे ट्विन्स लग रहे हैं, इनका हाँ ट्विन्स लग रहे हैं, 20 साल आगे पीछे वाले ट्विन्स। बढ़िया है, सो गाइस दादू सेठी जा रहे हैं जीलिंग, जहाँ पे मैं अभी होके आया हूँ, जीलिंग के सामने वाला गांव जो है उसको कनरखा बोलते हैं, और कनरखा में वो दया भैया अपना होम से चलाते हैं। तो दादू सेठी जा रहे हैं वहाँ पे अपने दो फ्रेंड्स के साथ, दो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू हिज प्लेस एंड नॉट दी अदर प्लेस, क्योंकि जो दूसरी वाली है वो हमने देख ली थी पिछली बार फैमिली के साथ, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बार ही उनके वहाँ जा के रहूँ, बट मेरे फ्रेंड्स व्रेंड्स थे तो उनको दोनों दिखाया, तो उनको पसंद वो वाला आया, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्ट है और फिर वो सब है। बट इन द रियल लाइफ आई वुड से यू नो, अगर आपने गांव वाली लाइफ एक्सपीरियंस करनी है तो आप दया भैया के होम स्टे में जा सकते हो, और उसी में पापा जा रहे हैं, पापा इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वहाँ आप खेतों में जा सकते हो, वहाँ पे उनकी नॉर्मल जो गाय भैंसे हैं वो चलाते हैं वो, बाकी वॉक्स उनके ऊपर नीचे चले जाओ, गांव में और भी लोग हैं। वो दूसरे वाले में जो है वहाँ पे तो बहुत ही कम घर हैं, बट इनके यहाँ पे आसपास घर भी हैं, तो ये वो इन्जॉय करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर दे गोना लाइक इट। और मैं जब अगली बार जीलिंग जाऊँगा तो मैं देखता हूँ कि मैं शायद अब दया भैया के यहीं जाऊँगा, और अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, देर इज़ अ रीज़न टू इट, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस कमरे में रहूँ, उनके घर में रहूँ, और उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में 2-3 दिन हिस्सा बनूँ। तो ठीक है, पापा जा रहे हैं जीलिंग, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था और आज उसका आंसर आप लोगों को मिल गया है, सो टेक केयर, गुड नाइट। और भानु शर्मा जी का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे भानु एंड थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अस एंड बीइंग आवर रेगुलर व्यूअर। यहीं पे करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म, फिर से मिलेंगे आपको कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड शब्बा खैर।